मेरा नाम योगेश कुमार पटियाला है। तो मेरा ऑपरेशन के पहले का नंबर था लेफ्ट आई में -1.75 और राइट आई में -0.75। मेरा नाम परेश पटेल है, मैं कनाडा से बिलोंग करता हूँ। मेरा राइट आई में 0.75 प्लस एंड लेफ्ट आई में 1.75 प्लस था। हाय, मेरा नाम हितल पटेल है, मेरी राइट आई में -2 था और लेफ्ट में 2.5 था माइनस। मैं और परेश पटेल कनाडा में सेटल हुए हैं, मेरी बहन यूएसए से आई। चश्मे के नंबर बहुत नॉमिनल थे, जब जहां हम रह रहे हैं वहां लाइक ठंडा वेदर रहता है, तो इनसाइड वेदर से आउटसाइड में जाते हैं तो पूरा लाइक स्पेक्ट फॉगी फॉगी सा हो जाता है। तो ये दिक्कत थी हमको सबसे पहले, सो सोचा कि ये नंबर भी स्पेक्ट रिमूव करवा देते हैं। हमको भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज वी आर लिविंग इन द सेम वेदर। हम तीनों को ये आई स्पेक्ट रिमूवल करवाना था, तो हम सोच रहे थे कि हम कहाँ जाए। इसके लिए हमने गूगल पे सर्च किया कौन सी बेस्ट हॉस्पिटल है इन द वर्ल्ड। हमने ट्राई किया कनाडा यूएस में, लेकिन वहाँ अपॉइंटमेंट बहुत देरी से मिल रही थी, 6 मंथ 12 मंथ लेटर अपॉइंटमेंट मिल रही थी। तो हमने सर्च किया इंडिया में कहाँ करवा सकते हैं, तो गूगल से पता चला कि ये I7 हॉस्पिटल्स बेस्ड है। तो यूट्यूब में सारी इन्फॉर्मेशन दी, डॉक्टर राय चौधरी को फॉलो किया, सारा कुछ देखा कि उनका काम कैसा है, कौन सी सर्जरी करवानी चाहिए, सारा कुछ उनके वीडियो के देखने के बाद पता चला कि नहीं, यहाँ I7 ही चूज करेंगे। मैं तो नहीं करवाना चाहती थी, पर मेरा भैया करवाना चाहता था, वो बोल रहा था मुझे आई सर्जरी करवानी है, तो उसको साथ मैं भी बोली कि मेरे को भी करवानी है, तो मेरा भी अपॉइंटमेंट ले लेना। सो डिसीजन बना, वो बोला अच्छी हॉस्पिटल है और अच्छे डॉक्टर है, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी करवा सकती हूँ। उसको करवाना था लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 20 साल से यूएस में सेटल, उसको नहीं समझ में आता था कि इंडिया में कहाँ जाना है, क्या करवाना है। सो जब मैंने डिसीजन लिया तो वो बोलती है मैं तेरे साथ ही आ रही हूँ, तो मैं भी करवा लेती हूँ। कई सालों से वो भी रिसर्च कर रही थी, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो करवा लेते। और जब I7 में आए तो जैसे वीडियो में देखा था सारा कुछ, ग्राउंड स्टाफ से लेके डॉक्टर्स की टीम्स, एवरीथिंग इज गुड। फिर हम आए, आई वगैरह चेक कर लिया, सब सर्जरी रूम में लेके गए। वहाँ से हम डर रहे थे, हम तीन थे लोग, कौन जाएगा पहले, कौन जाएगा। फिर मेरा नंबर आया पहले, तो मैं जाई पहले मशीन में बैठा के वो सब कर दिया, और फिर दूसरे मशीन पे ले गए, बाहर लेके आए, फिर चेयर में बिछाया, ग्लासेस दिए। ऑपरेशन रूम से पहले बैठे थे बाहर, तब लग रहा था कि सबको देख के थोड़ा डर कि क्या होगा, कि वो वीडियो तो देखी थी लेकिन जब प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे थे ऑब्वियसली मन में डर होता ही होता है। लेकिन जब अंदर गए, स्टाफ ने पूरा समझाया, आराम से हाथ पकड़ के बिठाया, ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ कब फिनिश हो गया वो पता ही नहीं चला, पूरा पैनलेस था। और जब हमारा ऑपरेशन हुआ तब थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन जब हो गया उसके बाद पता चला कि नहीं, कुछ घबराने की कोई बात नहीं है। और ऑपरेशन होने के बाद लाइक तुरंत हाफ एन आवर से हम नॉर्मल देख सकते थे। इट वॉज काइंड ऑफ एक्साइटमेंट एंड एज वेल एज little bit nervousness as well, but जैसे अंदर finally operation के लिए गए तो वो fear नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग जा रहे थे आ रहे थे तो इनका confident देख के हमको थोड़ा और confident आ रहा था कि भाई nothing serious, बहुत अच्छा experience रहा। जैसे हम operation theater में घुसे थे ऐसा कोई माहौल नहीं था कि जिसको हम देख के ऐसा महसूस कर सके कि fear जैसा कुछ है। After operation तो बहुत अच्छा लगा, it was no pain। जिस हिसाब से लोग परेशान होते हैं कि भी आँख का सेंसिटिव ऑपरेशन है, एंड जिस हिसाब से लोग परेशान होते हैं ऐसा कुछ नहीं। हाय सर, कम कैसे आप, ऑल गुड? स्पीक स्ट्रेट अप, लुक स्ट्रेट, लुक डाउन, ओके परफेक्ट। इज रीड फ्रॉम टॉप, सी एस PRDFVEZH good UTKDSRFEPZVHC STDKRUF yeah great। So last time that you already did 6x6 okay, top that be redness is normal okay, okay. Yeah, W subset very weak, DHFUSKCEVHZ R P T S K R D E C H Z V U good P S K T R F E very good। So last time that you already did 6x6 D F H U S K E C V Z good R P T K S K F D E C H Z V U good P B K T R F E perfect। The last time you were doing 6x6
And this is 18-19 version vision. By one week, 10 days, you'll get proper vision. Or day by day better. बहुत सालों से specs के साथ जी रहे, तो it's a hassle क्योंकि every time you have to just take these specs with you all the time, even if it's day or night, and even if it's good weather or bad. अभी after operation हमको ऐसा एक उसमें से मुक्ति मिली है, जैसा मान लो कि इस kind of freedom, क्योंकि अभी जैसे कि हम लोग को बहुत टाइम नहीं मिला है अभी स्पेक से, मतलब वो 24 घंटे भी नहीं हुए, लेकिन स्टिल वॉट एवर अभी हम देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इट इज़ वंडरफुल। सारे अच्छी से मेडिसिन जो भी दी वो अच्छे से समझा के दी थी कि कौन से क्या डालनी है, फॉलो अप का डेट अच्छे से दिया था, आज फॉलो अप के लिए आए। इस हॉस्पिटल के साथ हमारा तीनों का जो एक्सपीरियंस रहा है बिफोर ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेशन वो बहुत अच्छा रहा, बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने हमको दो ऑपरेशन के बारे में अलग अलग डिफरेंसेस बताए, फिर हमने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर सिल्क। हॉस्पिटल का स्टाफ का जो हमारी साइड से जो कोऑपरेशन था वो बहुत अच्छा रहा। मैंने और भी 3-4 हॉस्पिटल बड़े बड़े नाम पे रिसर्च किया था, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर राहुल चौधरी ने यूट्यूब में इंफॉर्मेशन डाली है, सो वो इंफॉर्मेशन देख के पता चला कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। यू नो, जब सर्जरी करवाने का डिसीजन लेते तो आपके मन में कई सारे डाउट रहते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कि आई एक सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, तो रिस्क नहीं ले सकते। तो डॉक्टर राहुल चौधरी का जो यूट्यूब में इंफॉर्मेशन था वो क्लियर था कि ऐसे ऐसे सब होता है, ये करवाना चाहिए, ऑपरेशन के पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ऑपरेशन किससे किसके पास करवाने चाहिए, कौन सा डॉक्टर चुनना चाहिए, वो सारा कुछ क्लियर था। सो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से लगा कि कोई डाउट नहीं है, उसके बंदे के पास ही जाना चाहिए। तीनों ने साथ इसलिए करवाया क्योंकि मेरा तो फिक्स था कि मेरे को करवाना ही करवाना है। दोनों मेरे साथ आए थे, उनको डर लग रहा था कि जाए तो कहाँ जाए, वो अकेले जाना नहीं चाहते थे। जिस हिसाब से डॉक्टर राहुल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिस हिसाब से सर्जरी अभी तक सक्सेसफुली करके दी है, एंड इनकी जो अचीवमेंट है, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इनके पास बाकी सारे अचीवमेंट्स है, देर वॉज नो डाउट एब्सोल्युटली। तो वो एक चीज़ थी जो हमने साथ में डिसाइड किया कि लेट्स गो टुगेदर एंड वील डू एट द सेम टाइम। थैंक यू I7 एंड थैंक यू डॉक्टर राहुल and his team. Thank you very much to Dr. Rahil. Thank you so much to Dr. Rahil and team and all the staff who helped us a lot. Thank you.